तो हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आज रमज़ान का दूसरा संडे है और मैं सोकर अभी उठा हूँ, टाइम बच रहे हैं 10:15 या 20 मिनट हो रहे होंगे। तो बेसिकली मैं रोज़ा नहीं रख पाया हूँ। मेरी आपको आवाज़ दिख रही होगी कि ऐसी हो रही आवाज़, बड़ी बड़ी बदसूरत सी और कम से कम 40 या 45 साल के आदमी की तरह आवाज़ हो रही है। तो थोड़ा सा मेरे को फीवर था और खांसी वगैरह भी हो रही है, तो इस चक्कर में मैं रमज़ान नहीं रख पाया। सो मैंने ये डिसीज़न लिया है कि यहाँ से मैं थोड़ा सा 3 या 4 बजे के अप्रोक्सीमेटली मैं लग देन मैं वहाँ पे शूट करूँ। मार्केट कौन सी होने वाली है तो आपको पता चल ही जाएगा आपके मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। ये नेट है यार, तो ये नेट क्यों लगा रखा है, ये थोड़ा मच्छर ज़्यादा साल है यहाँ पे, ऑलआउट भी काम नहीं करता। ये हम आ गए हैं बाहर, ये देखो ये नेट है। अपना सोना यहीं पे होता भाई, स्टोर रूम दे रखा है मेरे को। मैंने पहला वाला जो ब्लॉग बनाया था वो मेरा स्टोर रूम नहीं था, वो मेरा पर्सनली रूम था। तो अभी फिलहाल सिस्टर्स वगैरह आई हुई है तो इसलिए उनको वो रूम दे रखा है, और थैंक मेरे को यार स्टोर रूम में घुसा रखा है। इधर सामान कैसे कैसा पड़ा इधर, तो भाई अपनी चेयर में ऊपर ही घुसी हुई है। तो ये स्टोर रूम है भाई जहाँ पे मैं अभी रेगुलर स्लीप कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी बाहर चलते हैं अपने लिविंग एरिया में, तो अभी देखते हैं कि अम्मी क्या कर रही है। तो फिलहाल सो रही है, तो अभी चलते हैं नन्नी मुन्नी बीबी के पास। तो जैसे कि अभी हमारे घर में नया मेहमान आया है, तो भाई सॉरी इसको उठा रहे हैं। तो भाई ये तो बुढ़िया सो रही है, गाल कितना सॉफ्ट है इसके, है ना, साबुन लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो भैया देख लो कौन अच्छा लग रहा है, मैं लग रहा हूँ या छोटी बीबी लग रही है, कमेंट में जरूर बताना। रोने वाली है अभी ये तो वैसे तो मेरे से ज्यादा बुरी लग रही है। वो यहाँ सामने देखो बीबी, सामने देखो, अभी उठने वाली है, फिर बोलेगी चाचू ये क्या कर रहे हो, ये सोने दो। अभी तो नहीं बोली, खैर जब बड़ी हो जाएगी तब बोलेगी, फिर दांत में दम भी करेगी सबकी। चाचू मेरे को स्कूल छोड़ दे जाओ, चाचू मेरे को ये ला के दो। अभी तो ऊँट बेच के सो रही है, घोड़े ऊँट जो भी होते हैं। उंगली पिलाओ सर, भाई पी रही उंगली तो। सो गाइस दिस इज बेस्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो जो होने वाला है। डेली रूटीन के हिसाब से जो मैं करता हूँ वो है प्लांटेशन इन द मॉर्निंग। तो प्लांटेशन सबको अच्छी लगती है करनी, तो बेसिकली देखो ये रहा मेरा रूम जहाँ पे कुछ भी नहीं है इस टाइम, ठीक है ना, बेड है और भाई कुछ भी नहीं। तो प्लांटेशन की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये छोटी सी एक मनी प्लांट लेकर आया था मैं, तो काफ़ी मेरे को शौक है प्लांटेशन करना। तो भाई ये बड़े पत्ते वाली प्लांट है, बड़े पत्ते वाली मनी प्लांट है, ठीक है। तो भाई तो अपना जो रूम है वो इस तरीके से डिस्प्ले हुआ हुआ है, तो चलो अभी जाके प्लांटेशन करते हैं। आपको बता दूं कि रात के 1:30 बजे करीब में एक छोटा सा प्लांट लेकर आया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कितना प्यारा है, और अभी उसको टाइम भी लगेगा बढ़ने में, तो थोड़ा सा उसके मेरे को उपजाऊ करना होगा, जो मेरे मुश्किल से मुश्किल 1 महीना मेरे को टाइम भी लग सकता है उसको ज़्यादा। तो ये वो प्लांट था जो मैं रात लेकर आया था, ये वाला जो पौधा है ना ये शायद है सदाबहार, और ये जो है वही तुलसी है,
तुलसी को भी दे देते हैं पानी। तो तुलसी हमारे घर में भी अभी ऐसी बात नहीं है, तुलसी एक पौधा है बड़ा प्यारा जो कि चाय के काम में चाय में काम आता है, मतलब इसकी जो लीफ होती है ना वो चाय में काम आती है सुखा कर। तो ये वाला जो पौधा तो मैं रात लेकर आया था, मुझे इसका नाम तो पता नहीं है, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने ले लिया, ठीक है। बाकी आप लोग नाम बता देना क्या नाम है। तो भाई देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है। और भाई मौसम तो ठीक है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है अभी फ़िलहाल। टाइम बज रहे हैं 11, तो 11 बजे जैसा मौसम है नॉर्मल है, तो अभी आगे जैसे धूप बढ़ती रहेगी तो मौसम भी ख़तरनाक हो जाएगा। तो भाई अपना यहाँ पे जो रूटीन है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं अपना व्लॉग, एंड करते हैं यहाँ पे। जो नेक्स्ट व्लॉग शूट होगा वो मार्केट में होगा, तो अभी अपने भाई को सपोर्ट करना है और इस वीडियो को लाइक कर देना, और थोड़ा सा जो मैंने पार्ट्स अपना डेली रूटीन का जो शेयर किया आपसे, ये भी आपको आई होप अच्छा लगा होगा। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार देते रहो। कीप वॉचिंग पन्नू देसी।